गजब की बड़ी खबर, बुजुर्ग की पिटाई से जुड़ी हुई सामने आ रही है। लोनी प्रकरण में आरोपी गुलशन गिरफ्तार, मारपीट के बाद से फरार चल रहा था। तो ये बड़ी खबर बता दें, आरोपी की तलाश में लगातार गाजियाबाद पुलिस दबिश दे रही थी, टीमें दबिश दे रही थी। इससे पहले उमेद पहलवान की गिरफ्तारी हुई और फिलहाल खबर आ रही है कि गुलशन की भी गिरफ्तारी हो गई है। लोनी मामले में ये भी आरोपी था और अब सभी जो आरोपी थे उनकी लगभग गिरफ्तारी हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लोनी मामले में जिस तरीके से तमाम वीडियो शेयर हुए उसके बाद लगातार पुलिस एक एक करके तमाम आरोपियों को तलाशती हुई नजर आई और फिलहाल खबर यह आ रही है कि देखिए अब गुलशन को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले उमेद पहलवान को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पर, जिसमें उमेद पहलवान को गिरफ्तार किया गया है ये तस्वीर। और लोनी मामले में लगातार पुलिस गिरफ्तारियां कर रही है, मारपीट के बाद से गुलशन भी फरार चल रहा था, उसे भी गिरफ्तार कर लिया है, उमेद पहलवान को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इस मामले में लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है, गाजियाबाद कांड के आरोपी उमेद पहलवान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उमेद को कल गिरफ्तार किया गया है, आज सुबह ही इसी हिंदुस्तान ने गिरफ्तारी की खबर बताई थी। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, तो गाजियाबाद कांड में उमेद पहलवान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस लगातार दबिश दे रही थी, पुलिस की अलग अलग टीम जगह जगह छापेमारी कर रही थी। हालांकि उमेद लगातार बचने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसे अब धर दबोचा गया है। हालांकि हिंदुस्तान ने इस खबर को पहले ही बताया था अपने दर्शकों को कि उमेद की गिरफ्तारी हो चुकी है और पुलिस ने भी आज इस बात की पुष्टि की है कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये तस्वीर भी इस वक्त आप देख रहे हैं, उमेद पहलवान की तस्वीर हिंदुस्तान पर सबसे पहले। आज सुबह ही हिंदुस्तान ने गिरफ्तारी की बात बता दी थी और पुलिस ने भी अब इस पर मोहर लगा दी है कि उमेद पहलवान को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो दिल्ली के LNGP अस्पताल के आसपास से इसकी गिरफ्तारी की गई है, जहां इसकी लोकेशन मिल रही थी। लगातार इसकी लोकेशन को ट्रेस कर रही थी पुलिस, तमाम टीमों का गठन किया गया था। बुलंदशहर में भी छापेमारी की गई थी, चूंकि एक बार इसकी लोकेशन वहां भी समझ में आई, लेकिन अब जब इसकी गिरफ्तारी हुई है तो बताया जा रहा है कि दिल्ली से इसको गिरफ्तार किया गया है। LNGP अस्पताल के आसपास से इसकी गिरफ्तारी की गई। और इसी खबर से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के LNGP अस्पताल के पास से उमेद की गिरफ्तारी हुई। SSP का कहना है गिरफ्तारी के बाद आगे की पूछताछ होगी। दिल्ली से गाजियाबाद लाया जाएगा उमेद, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। गाजियाबाद में आगे पूछताछ होगी। इस वक्त मेरे साथ SSP गाजियाबाद अमित पाठक जी हैं। सर, अभी आपने बताया कि उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है LNGP से, क्या है सर पूरा मामला? बस यही है कि अभी LNGP के पास से उनकी क्राइम ब्रांच और गाजियाबाद पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी कर ली गई है और अब उनको यह गाजियाबाद टीम लेकर के जो है गाजियाबाद की तरफ आ रही है और यहाँ पर अभी काफी हमको विस्तार से उनसे पूछताछ करनी है। सर, इसमें क्राइम ब्रांच भी थी, इसके अलावा और कितने लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, नंबर्स कितने हो गए? घटना में अभी जो मारपीट की घटना होती है उसमें हम लोग 9 लोग को गिरफ्तार कर चुके हैं, तो 9 के बाद ये 10वीं गिरफ्तारी है हमारी। और अभी इनसे बातचीत में जो भी और प्रकाश में चीजें निकल करके आएंगी, यदि और भी कोई व्यक्ति इसमें संलिप्त पाया जाता तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई। अच्छा सर, इसमें एक चीज तो मैं जरूर आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि हमारे कैमरे पर एक्सक्लूसिव नंदकिशोर गुज्जर ने आपसे पहले यह बात बता दी कि वो गिरफ्तार कल रात को ही हो चुके थे। आपने कहा कि नहीं हुए और अभी कंफर्म हुआ कि वो हो चुके हैं। लोकेशन का विजुअल भी नहीं आया, ना वीडियो आया है ना कोई फोटो आया लोकेशन से कि LNGP में वो गिरफ्तार हुए हैं नहीं हुए हैं। एक छोटा सा फोटो आया, वो किसी कमरे का है। क्या कहना चाह रहे हैं? मैं समझ नहीं पाया। मैं ये कहना चाह रहा हूं सर कि अगर ये गिरफ्तार हुए हैं आज, तो LNGP से गिरफ्तार हुए हैं, वहां का ना कोई वीडियो है ना कोई फोटो है। जरूरी होती है कि आप बताइए, इसमें एक आपका प्रश्न ठीक से नहीं है। गिरफ्तारी के बारे में नंदकिशोर गुज्जर ने 10 बजे ही हमारे कैमरे पे बोल दिया था। उसका जवाब आप जानते होंगे बेहतर, मुझे इस पे कोई टिप्पणी नहीं करनी। तो सर इतना लास्ट क्वेश्चन, सर इतना लेट हुआ, इसके पीछे कहीं सर पुलिस का फेल्योर है, कहीं इंटेलिजेंस का फेल्योर है? बिल्कुल नहीं है ये, और जो है ये आपका अपना धारणा हो सकती है, लेकिन हमारी टीमें प्रयास कर रही थी, अभी गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली NCR में घूमता रहा सर, इतना टाइम क्यों लग गया? हम प्रयास कर रहे थे, हमको जैसे ही उसकी लोकेशन मिली हमने उसको गिरफ्तार कर लिया। ठीक, धन्यवाद सर। तो अमित पाठक जी का साफ साफ कहना है कि हम प्रयास कर रहे थे, हम कोशिश कर रहे थे, ट्रेस करने की कोशिश कर रहे थे और जैसे ही हमें उनकी लोकेशन कंफर्म हुई हमने उनको गिरफ्तार कर लिया। गाजियाबाद से कैमरामैन प्रवीण के साथ अभिषेक दुबे से मिले।